रुकुन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवाकुंतला कविता से आज जगतियाल के कौंसलर्स ने हैदराबाद में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। रुकन असम्बली जगतियाल डॉक्टर एम संजय कुमार और रुकन कानून साज कौंसिल एल रमना की क़ियादत में जगतियाल के कौंसलर्स ने के कविता से बात की। वाज़ेह रहे कि कौंसलर्स की जानिब से जगतियाल में नायब सदर नशीन बल्दिया के ख़िलाफ़ 16 जनवरी को तहरीक आदम एतमाद की नोटिस पेश की गई। कलवाकुंतला कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने सबको मौका फराहम किया है, मुस्तकबिल में भी यकसा मौाक़े फराहम किए जाएंगे। कविता ने कहा कि उन्हें यकीन है कि आइंदा अयाम में पार्टी मजीद मजबूत होगी और आवाम का एतमाद हासिल करेगी। उन्होंने वाज़े किया कि बीआरएस पार्टी में नज़्म व ज़ब्त को हमेशा से ही अहमियत हासिल है। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि हुक्मरान जमात की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की ज़रूरत है। ऐसे हालात में सबकी मुत्तफ़िका यही राय है कि हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। कविता ने कहा कि तमाम कौंसलर्स तहरीक आदम एतमाद पर फिर एक मरतबा गौर करें कि कविता की हिदायत पर कौंसलर्स ने तहरीक आदम एतमाद से दस्तबरदारी इख्तियार करने का फ़ैसला किया। कौंसलर्स ने ऐलान किया कि वह 4 शुबे को तहरीक आदम एतमाद के तनाजर में रायदही में हिस्सा नहीं लेंगे।